सिंगापुर में सैलरी का पैकेज क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई सैलरी जो हमारे को मंथली मंथली बेसिस पर है, आवरली बेसिस पर है, या हमारे को चेक मिलता है या कैश मिलता है, कैसे सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी और कौन सी डेट को मिलेगी, किस डेट से किस डेट पर आपको सैलरी इश्यू होगी, पूरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा था जो हमारे भाई लोग सिंगापुर में काम कर रहे हैं, सर सैलरी पैकेज उनका कैसा होता है, तो एक एवरेज आइडिया देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रवि कुमार, आपको पता ही है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, गलती से मेरा चैनल देख रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना, फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब बात बताता हूँ सिंगापुर से रिलेटेड, आपको अगर चैनल वीडियो देखनी है तो मेरे वेट चैनल को जाके देख लेना, और हाँ कमेंट्स करना, और उसका अगर आंसर मैं होगा तो दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड जरूर आपको करके दे दूंगा। लेकिन अब आपसे एक चीज पूछ बताना चाहता हूँ कि जो सैलरी सिंगापुर में होता है ऑन टाइम टू टाइम मिलती है यहाँ पर। अब हर कंपनी के कुछ कुछ लॉ होते हैं कि जिसकी सैलरी किस टाइम पर मिलती है, बट एक एवरेज सैलरी बताते हैं कि जो हमें यहाँ पर मिलती है। तो देखो, एक फॉरेनर्स जो इंडियन वर्कर्स हैं वो 800 से 4000 डॉलर्स तक कमाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी उसका सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, मीन्स आपका जो वर्क परमिट का स्किल क्या है। जैसे कहने का मतलब, अगर आप वर्क परमिट पर काम करो, आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 800 डॉलर्स के आसपास होती है, और ओटी वगैरह लगा के 1200 डॉलर्स होती है। अगर आप एस पास पर काम कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी जो होती है वो 2500 से स्टार्ट होती है और अप टू 4000 तक जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास पर काम कर रहे हो एज अ फ्रेशर तो 4500 डॉलर्स जाती है, और अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी भर्ती जाती है 6-7000 डॉलर्स होती जाती है। अब बात करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हमारे इंडियन भाई काम करते हैं, जो हमारे भाई लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं एज अ वर्क परमिट, उनको सैलरी भाई इशू हो जाती है डेट 5 को। और आपको कहने का मतलब, अगर आपको चेक मिलता है तो चेक तो सैलरी में खैर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको बैंकिंग की सैलरी मिलती है, मीन्स आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है तो, और आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है डेट 5 को, और आप 6 को निकाल सकते हैं। कुछ कंपनियों में सैलरी जो है 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख से 1 से 5 तारीख के बीच में आपका वर्क, जब ऑफिस आवर्स खुले होते हैं या अगर कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होती है तो आपकी डेट 5 तक आपकी सैलरी आ जाती है, 5 से आगे डिले नहीं होती है जहाँ तक है। अगर डिले होती है तो वो होती है पब्लिक हॉलीडे की वजह से, कि बैंक्स वगैरह या कुछ ऐसा, लेकिन सैलरी 5 तक सभी की आ जाती है एज अ फॉरेनर्स वर्कर, और तो आप अपनी सैलरी 5 के बाद निकाल सकते हैं। अब सैलरी बैंकिंग होती है भाई, यहाँ पर सैलरी तो आपको यहाँ की जो बैंक हैं वो POSB, DBS और आपकी UOB बैंक, OCBC बैंक, ये 4 मेजर बैंक है, यहाँ पर सभी के अकाउंट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कंपनी आपको इस सैलरी क्रेडिट करती है इन बैंकों में। तो सैलरी पैकेज इस हिसाब से है। अब सैलरी पैकेज अगर एवरेज देखा जाए तो एक इंडियंस जो कमाता है वो 1500 डॉलर्स के आसपास कमा लेता है, और एन एवरेज किसी को ज़्यादा मिलती है किसी को कम मिलती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 1500 के आसपास 70-75 हज़ार रुपये कमा लेता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। तो आपको आज पता लगा सैलरी पैकेज क्या है और कौन सी डेट को मिलती है। तो वर्क 3 कैटेगरीज हैं, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास। मैंने आपको बता दी सैलरी रेंज 800 से 4000 डॉलर्स तक जाती है, एम्प्लॉयमेंट पास की 5-6 हज़ार डॉलर्स जाती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।